राजधानी देहरादून में सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर सरकार फिर एक बार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले लंबे समय से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अब नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि देहरादून में रिसपना, बिंदाल और अन्य नदियों नालों में जिस तरह से अवैध अतिक्रमण करते हुए अवैध बस्तियां बन गई हैं, उससे न सिर्फ शहर बदसूरत हुआ है बल्कि पानी के निकासी के रास्ते भी बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है और किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार का ऐतराज है तो उसे उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए। अवैधानिक अतिक्रमण पर न्यायालय का निर्णय है और कानून के शासन में न्यायालय के निर्णय को मानना बाध्यता होती है। अगर किसी को उस पे किसी प्रकार का ऐतराज है तो उच्चतम न्यायालय में उनको जाना चाहिए।